काफी चीजों में आप यूज कर सकते हो। तो आप एज अ बेड रनर की तरह यूज कर सकते हो, एज आप टेबल रनर की डाइनिंग टेबल रनर की तरह यूज कर सकते हो। तो बहुत तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो और बहुत आसान है इसे बनाना। तो चलो देखते हैं हमने आज बनाया क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ इस टाइप का एक बहुत ही प्यारा सा रनर बना के रेडी किया है पुरानी चीजों के साथ। देखिए मैंने पुराने सूट का इस्तेमाल किया है, पुराने फैब्रिक्स का इस्तेमाल किया है और मेरे पुराना सूट है उसका भी इस्तेमाल किया है। लेसिस में भी मैंने सेम अपने पुराने सूट की लेस निकाल करके ही इस्तेमाल किया है। बहुत प्यारी लग रही है। तो इस टाइप से मैंने बिग साइज में ये रनर बनाया है। आप देख सकते हो, देखो काफी बिग है ये। इस टाइप से काफी मल्टी कलर में है तो आपकी कई चीजों के साथ ये चला जाएगा। तो बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत ब्यूटीफुल और कम समय में बनने वाला रनर है ये। तो देखिए इस टाइप से बहुत सुंदर लग रहा है। आशा करूंगी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। अगर वीडियो यूजफुल रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमने कैसे बनाया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा एक पुराना सा ना कुर्ता पड़ा हुआ था तो उसी का मैंने सोचा आज इस्तेमाल करती हूँ। तो देखिए ये ले लिया है मैंने और इसमें देखिए व्हाइट कलर की लेसेस भी लगी थी। तो सबसे पहले हम उस लेस को कट करके हटा लेंगे जिसका इस्तेमाल हम इस रनर पे करेंगे। तो इसके लिए मैंने कट करके साइड हटा लिया और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे कट करके निकाल लिया, मतलब ऐसे उधेड़ के निकाल लिया। तो ये लेस हमारे पास पूरी की पूरी आ गई। अब हम इसके दोनों कॉर्नर पे इस लेस का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि जो हमारा रनर है ना बहुत सुंदर बनेगा। तो साथ ही ले लिया है अलग अलग फैब्रिक। तो जैसे कतरन में मेरे पास थोड़े थोड़े पीसेस बचे हुए थे तो मैंने उन्हीं का इस्तेमाल करके इसे बना रही हूँ। तो देखिए इस तरह से इन पीसेस को कट कर लेना है। बहुत अलग अलग कलर मैंने लिए हैं और बहुत सुंदर ये लगने वाला है बिकॉज ना कलर मल्टीपल कलर के इस्तेमाल होने वाले हैं। तो देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। तो 20 इंच बाय 5 इंच का हमने इसका मेजरमेंट लिया है। आप चाहो तो थोड़ा सा और ब्रॉड कर सकते हो, 25 बाय आप 5 कर सकते हो या 6 कर सकते हो। तो ये टोटली आपके ऊपर है। तो अब करना क्या है, अलग अलग कलर की स्ट्रिप्स लेनी है, उनको ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखना है और इस तरह से इसको सिलाई लगा करके अटैच कर लेना है। तो पहले हम अच्छे से इनको प्रेस कर लेंगे फिर हम इसे अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं मशीन के पास आ गई हूँ और अब हमने ना राइट टू राइट आमने सामने रखते हुए इन पीसेस को आपस में अटैच करना है। तो इस तरह से मैं दोनों ही पीसेस को अटैच कर लूंगी। तो देखिए इस तरह से ना आप रनर बनाएंगे ना तो बहुत ही प्यारी फिनिशिंग आती है। आप देख सकते हो दो पीस हमने अटैच कर लिए हैं। सेम अलग कलर का कोई और फैब्रिक लेते हुए आप ऐसे उसके ऊपर ऐसे रखते हुए राइट टू राइट आमने सामने रखना है, इतना ही ध्यान रखना है हमको। तो देखिए इस तरह से अटैच करते जाएंगे और हम ना इस तरह से एक बड़ा सा पीस बना के रेडी कर लेंगे। तो चलिए पहले मैं इतना कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ना इसका एक लंबी सी स्ट्रिप्स बना के रेडी कर ली है। बहुत ही अलग अलग मल्टीपल कलर का इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया है। आप देख सकते हो काफी लंबी हमारी स्ट्रिप्स बन गई है। आप अपने अकॉर्डिंग इसे बड़ा छोटा कर सकते हो। तो अब करना क्या है, अच्छे से इस पीस पे प्रेस करना है और उसे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसको रख लेना है। तो देखिए इस तरह से मैं प्रॉपर अच्छे से इस पे प्रेस करके इसे रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से हमने इसके ऊपर प्रेस कर ली है और जिससे कि ये ना जो पीस है ना बिल्कुल फिनिश्ड हो गया है।
साइड्स में जो भी अनइवन सा आपको लगेगा ना उसे कट करके निकाल लें इस तरह से। तो देखिए प्रॉपर हमारा जो पीस है ना फिनिशिंग के साथ बहुत रेडी हो गया है। तो अब हमने क्या करना है, सेम इसी साइज का हमने एक और पीस ले लेना है। यहाँ पर मैंने कॉटन का लिया है, ये भी मेरा एक पुराना कुर्ते का ही पीस था जिसका मैंने बनाया ही नहीं था कुर्ता, तो उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। राइट टू राइट आमने सामने रखेंगे, अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। देखिए इसके ऊपर ऐसे बिल्कुल सेम साइज का हमने ये पीस लिया है। आप अगर ब्रॉड बनाना चाहो तो ब्रॉड भी ले सकते हो। अब हमने क्या करना है, वही लेस ले ली है जो मैंने अभी अपने कुर्ते से निकाली थी। अब इसे रखना है हमने इसके कॉर्नर पे, तो देखिए इस तरह से इसे अटैच करना है। इसके अंदर की तरफ हम रखेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर आप अपना जो आपने दूसरा वाला पीस लिया है लाइनिंग वाला उसे इसके ऊपर इस तरह से बिछा लेंगे। तो देखिए इस तरह से बिछाने के बाद हमने इसमें चारों तरफ से सिलाई कर लेनी है। सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एक सामने आपको 5 इंच के बराबर छोड़ देना है जहां से हमने इस फैब्रिक को पलटना है। पूरे में सिलाई लगाएंगे सिर्फ 5 इंच छोड़ करके। तो देखिए पहले मैं पिनअप कर लेती हूँ ताकि जो सिलाई है अनइवन ना हो, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हमारा ये पीस बन के रेडी हो। तो चलिए पहले हम इस पे सिलाई लगा करके इसको चारों तरफ से इसको फिनिश कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से हमने ना यहाँ पर कॉर्नर पे मैं आ गई हूँ जहाँ पर हमने लेस लगाई है। तो वहां पर हमें लेस के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, पहले लेस को जितना भी एक्स्ट्रा है उसे पहले कट कर लेंगे लेस को, और एक से दो फोल्ड करते हुए आपको उसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है। सिर्फ दो पीसेस पे आपको सिलाई लगानी है, जो अपर वाला है और जो नीचे वाला है दोनों ही, और आपको लेस को छोड़ के इस पे सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से मैं इस लेस को अंदर की तरफ कुछ इस तरह से फोल्ड कर लूंगी। तो देखिए जितना एक्स्ट्रा होगा पहले लेस को अलग कर लेते हैं काट करके, और आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है मैंने लेस का, और उसके बाद उस लेस को ना अंदर की तरफ दो फोल्ड करते हुए अंदर को मोड़ लेना है, और उसके ऊपर से आपको इसे सिलाई लगा लेनी है। हमें लेस के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, हमें सिर्फ दोनों ही पैनल्स के ऊपर सिलाई लगानी है, सिर्फ इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो देखिए दोनों पैनल को मैंने इसके अंदर लेस को अंदर की तरफ को फोल्ड किया, और दोनों ही पैनल को ना एक के ऊपर एक ऐसे रखते हुए अब हम सीधे में इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो कुछ इस तरह से है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा यहाँ पर। फ्रेंड्स इस तरह से मैंने अंदर को फोल्ड किया, आप पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो दूसरे के साइड भी आपको सेम ऐसे ही करना है, लेस अंदर की तरफ को फोल्ड करते हुए आपको अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। देखिए लेस के ऊपर अगर हम सिलाई लगाएंगे ना तो आगे की तरफ को पलटेगा ही नहीं, तो इसलिए हमें लेस को छोड़ते हुए अभी तो हम इस तरफ से यहाँ पर हमने लेस को छोड़ते हुए दोनों ही पैनल्स पे सिलाई लगानी है, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हम पूरे ही अपने जो रनर है ना उसमें चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। सिर्फ और एक साइड में आपको 5 इंच का गैप दे देना है। देखिए यहाँ पर से और यहाँ पर मैं 5 इंच का गैप दे रही हूँ, तो जिससे कि ना हम यहाँ पर ना यहाँ से ही अपने फैब्रिक को पलट लेंगे, और साइड में आपको पूरे में बाकी में सिलाई लगा लेनी है। तो सेम इसी तरीके से कर लेना है, तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने रनर को इस तरह से पलट लिया है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर ना ये 5 इंच का गैप है जहां से हमने रनर को बाहर की तरफ निकाला था। तो अब हमने ना इसके चारों तरफ ना टॉप स्टिच दे देनी है, जिससे कि ना ये पीस हमारा प्रॉपर फिनिश हो जाए और बिल्कुल यूज करने के लिए रेडी हो जाए। तो देखिये इस तरह से मैं पूरे में ना टॉप स्टिच दे दूंगी, आप देख सकते हो। और लेस को आप देख सकते हो बाहर की तरफ को हैंग हुई है, जिससे की वजह से हमने दोनों ही साइड में ना लेस को अंदर को फोल्ड करते हुए, आप देख सकते हो हल्का सा फोल्ड किया है मैंने वहां पे, यहीं से फोल्ड करते हुए आपको लेस को अटैच करनी है। देखिए इस तरह से आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा इस वीडियो में। तो बिल्कुल सिंपल, बहुत आसान, बिल्कुल कतरन का इस्तेमाल करते हुए हमने ये बनाया है। बहुत आसान है, बहुत यूजफुल है, आप बहुत अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। आप टेबल रनर, डाइनिंग टेबल रनर, बेड रनर, या फिर आप किसी भी टेबल के ऊपर या कहीं पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए बहुत सिंपल, बहुत आसान और बहुत ही यूजफुल वीडियो है। आशा करूंगी ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो करना क्या है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और थोड़े भी यूजफुल लगते हैं और आप चाहते हो कि मैं और भी आपकी पसंदीदा वीडियो आपके सामने लेके आऊं, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगली वीडियो आप किस चीज की चाहते हो, तो मैं आपके लिए जरूर से उस वीडियो को बनाऊंगी। तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुद को बिजी रखिए। बाय बाय।